Hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ. मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, न्यूरो साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट्सेट्रा, जो आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी है. एंड आई मस्ट से कि मेरी वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी. मैं अपनी वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ और इसके कॉन्टेंट्स मैं अपना लेवल बेस्ट देती हूँ. और आज की प्रैक्टिस है द मैजिक बुक की 26वें दिन की प्रैक्टिस है, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले. ये प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मोस्टली, या कभी मैं भी ऐसा ही कभी कभी सोचती हूँ कि कोई गलती हो गई तो हमारे अंदर एक गिल्ट की भावना आ जाती है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता. उस इवन सालों पहले की किसी गलती को भी हम सोचते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता. लेकिन आज हम उसमें से भी हीरे के जैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें से क्या हीरा छुपा है जो हमारी पर्सनालिटी को बेटर बनाएगा, हमें मास्टर मैनिफेस्टर बनाएगा. एंड मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अब्राहम हिक्स की सीरीज को लाने वाली हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ. अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले, ओपरा विनफ्रे ऐसा कहती हैं. उनको सभी लोग जानते हैं, उनके इंट्रोडक्शन में क्या दूं. हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है. आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे हैं. कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है या लिखना सीखता है तो गलतियां करता है. हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा. इसलिए बच्चों को पेंसिल के साथ साथ रबर भी दी जाती है कि आप गलती करेंगे और तभी परफेक्ट राइटिंग या परफेक्शन आता है. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? हमसे गलतियां हो जाए तो एक तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, प्लस हमारी सराउंडिंग भी हमें और ज़्यादा गिल्ट फील कराने लगती है. ये प्रैक्टिस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम गलतियां करें और बस खुश हो जाए. कहने का मतलब, अगर हमने कुछ ऐसा किया, कोई स्टेप लिए और वो अगर अनटूवर्ड हो गया तो उससे क्या सीख मिल सकती है और उससे हम क्या अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, ये प्रैक्टिस उसी को सिखाती है. तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसमें अगर सक्सेसफुल ना हो पाए या फिर कोई बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं उसमें अगर लॉस हो कहीं पर, तो अपने आप पर इतने बिटर ना हो जाएं कि अपने आप पर सख्त ना हो जाएं, अपने आप को गिल्ट फील कराना बंद करें. हम सभी गलतियां करते हैं. यदि कोई गलती ना करे तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे. हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है. इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है, यानी एक हमारे पास विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है. यानी कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं. हमने अगर कोई एक स्टेप चुना और वो उसमें गलती हो गई तो उसकी स्वतंत्रता है हमारे पास. गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ यह है कि इस वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ हो गया. तो अगर हम गलती से गिल्ट फील करेंगे तो उससे हम लेसन नहीं सीख पाएंगे, यानी जो हमने सफ़र किया वो वेस्ट चला गया. दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें. रियली कितनी बड़ी बात है ये, कि इसलिए हम इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उसे सीख सकें कि हम उन्हें बार बार ना दोहराएं. हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो यही वजह है कि फिर हमें उससे तकलीफ पहुंचती है, ताकि वो तकलीफ हमें सिखाती है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी. किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है. यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वह अपनी गलती के लिए प्रायः दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं. यहाँ पर दो मिस्टेक्स होते हैं. आप कोई गलती हुई, कोई काम गलत हुआ, तो या तो हम दूसरे पे दोष मढ़ते हैं. ये तो सबसे ही बेकार बात है, क्योंकि जब आप दूसरे पर दोष डाल देते हैं
तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी यानी आप उससे कुछ लेसन नहीं ले पाएंगे। आइए मान लेते हैं पुलिस ने तेज गाड़ी से चलाने वाली हमारी गाड़ी को रोक दिया और चालान बनाया। हम तेज गाड़ी से चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं। चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। यानी इसमें भी कोई नुक्स दूसरे पर ही निकाल लिया। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। यानी हम बच जाते तो कितना अच्छा होता, तो बच जाते तो हम लेसन नहीं सीख पाते। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। गलती तो हमारी थी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणाम को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। परिणाम यह होता है कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करते हैं। यानी अगर किसी मिस्टेक में हमने दूसरे को दोष दे दिया, तो इससे आपको या किसी को भी दो लॉस होंगे। एक तो जो चोट आपको पहुंची वो तो पहुंचेगी, वो तो व्यर्थ जाएगी ही, और जो लेसन हम ले सकते थे वो नहीं लेंगे। और एक नुकसान और होगा कि वही गलती हम दोबारा करेंगे। कैंसिल कैंसिल, आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी। यह इंसान होने के बारे में सबसे बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। ये पूरी प्रैक्टिस कितनी लाजवाब है कि कुछ गलत भी हो जाए उसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, कुछ निगेटिव भी हो जाता है उसमें से कैसे हम सीख सकते हैं। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों न दिखती हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा रहती हैं। एक बंद घड़ी भी दिन भर में 2 बार सही समय देती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों को तलाश करते हैं, तो जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। यानी कि जब उस गलती के लिए कृतज्ञ हो जाएं, यानी कि अगर कहीं गए और पांव फिसल गया, तो सबसे पहले देखें कि इस मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक किया जो दोबारा नहीं करना है। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदान को आकर्षित करती हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी हो या छोटी हो। जिसके बारे में सोचने से आपको चोट पहुंचती है, यानी कि लाइफ की कोई ऐसी घटना जो आपको हर्ट कर रही है, जो जो सोच करके आपको अच्छा नहीं लग रहा, उससे चुने। और शायद आप किसी गरीब व्यक्ति पर भड़क गए थे, उसके बाद वह संबंध फिर से पहला जैसा नहीं रहा। शायद आप किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद पर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा दिया। शायद किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, जिसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और वह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत सारा खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा हो गया। ये सारी चीजें लाइफ में बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ होती है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यानी जब हमने डिसाइड किया कि हमने आज की प्रैक्टिस यही है कि हम डिसाइड करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे लाइफ में जिसने जहाँ पर हमें लगता है कि हमसे गलती हुई या ये गलत हो गया हमारे लाइफ में, उसे चुन लें और कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के स्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे चीज़ें हैं जो आपने उससे सीखी हैं। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्हें भविष्य में बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें। अब लिखना शुरू करें। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, अगर पुलिस ने आपको चालान काट दिया, तो उसमें से आपको नुकसान हुआ, पैसे का आपके अनवांटेड जो कि बच सकते थे, जो पैसे आपको भुगतान करने पड़े, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव फीलिंग आएगी कि आज बेकार में ही ये पैसा, इतना मुझे नुकसान उठाना पड़ा।
तो रेदर देन पुलिस वालों को बोलने से या फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर लाने से, फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन टूट गया था, वो मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा खेलते हुए गिराया, वो पूरी तरह से टूट गया, थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा ज़रूर लगा कि मेरे सामने से ही वो टूट गया थोड़े, तो फिर मैंने सोचा कि ये फ़ोन तो टूट गया ऑफकोर्स, एंड अब इसके बारे में अगर मैं नेगेटिव सोचती हूँ या बच्चे को डांटती हूँ तो मेरी वाइब्रेशन ख़राब होगी, तो इसे मैं कैसे इसे वरदान में बदलूँ। तो 10 चीज़ें जैसे मैंने लिख ली कि हाँ उसमें गार्ड लगाना था, या बच्चा जब खेले तो उसके सामने उसके उसके वॉचफुल रहना है एट्सेट्रा। लेकिन इसमें ये एग्जाम्पल ऑथर देती हैं कि अगर पुलिस वाले ने चालान काट दिया तो आप 10 चीज़ें कैसे लिख सकते हैं। मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ, चोट पहुँचाने से रोकना चाहते थे, उन्होंने चालान काटा तो वो आपको चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे कि आपको आप गाड़ी तेज चला रहे, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था, तो उसने उस चालान काटने से मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे गाड़ी चलाते वक्त दूसरी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ी से गति से लेना जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो अब उसकी तरफ ध्यान गया। चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ, जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा, ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। 5, पुलिस के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में अजीब विचार था कि मैं पकड़े में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ, कि उन्होंने बताया कि हम तो सोच रहे थे कि मैं बच सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा हूँ, तो इस बात का मुझे एहसास हुआ कि ये गलती मेरी भी जान जोखिम में डाल सकती है, दूसरे की भी। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों से उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले को रोके। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जान या मेरी फैमिली सेफ्टी से चले, कि सेफ्टी रहे, कि तेज गाड़ी चलाने वाले दूसरे लोगों से मेरी फैमिली का बचाव हो, तो मुझे भी तो दूसरों के बचाव के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक करुणा की भावना रखना कि वो हर दिन देख रहे हैं कुछ नेगेटिव होते हुए, तो वो मुझे इस चीज़ से बचाना चाहते हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ और कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन संभावित परिणामों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था, या मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। यानी कि नहीं पकड़े जाने पर क्या क्या संभावनाएं थी, तो अंत ये पता चलता है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जो मुझे नुकसान हुआ वो कम था कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, यानी कि उससे जो नुकसान हो सकता था उसके सामने ये कुछ भी नहीं, ये तो वरदान है। तो इस तरह आपके लाइफ में कोई भी गलती हो जाए तो आप उसे 10 पॉइंट्स, अगर लिखने में आपको तकलीफ होती तो 10 पॉइंट्स सोचें। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल मैं क्या दूं, अगर आपको नुकसान हो जाता है तो ऑफकोर्स उससे लेसन मिलता है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको मन लायक रिजल्ट नहीं आया, तो 10 पॉइंट्स लिखें कि क्या चीज़ से ये गलती हो गई, इससे मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, मैंने इससे मुझे पता चलता है कि मैंने ठीक से मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, मैं और ज़्यादा पढ़ सकती थी एट्सेट्रा। 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ में, रेदर देन, कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि दूध ही उबल जाता है, तो
मन खराब हो जाता है, तो आप इससे भी लेसन ले सकते हैं कि ये मुझे माइंडफुलनेस सिखा रही है, ये घटना ने मुझे माइंडफुलनेस सिखाया कि मेरा ध्यान नहीं भटकना है, नेक्स्ट टाइम मुझे अवेयर होकर कोई भी काम करना है एक्सेट्रा। इससे ये प्रैक्टिस, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपको तकलीफ़ पहुंचती है, ये सोचकर कि पास्ट में मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी जो कि जिससे सोचकर आपको बुरा लगता है, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर अपनाएं। आपको समझ में आएगा कि ये तो वरदान है, जो नुकसान मैंने उठाया ये उससे जो मैंने लेसन लिया वो बहुत बड़ा लाइफ का लेसन है जो आगे मुझे कई गलतियों से बचा सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय निकाल कर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है, इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज़ से मिल सकते हैं। तो आज की प्रैक्टिस है कि 10 अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, इसमें 5 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो सुबह उठकर सबसे पहले जो सबसे पहला काम करें, 10 ब्लेसिंग्स को लिख लें। अगर लिखेंगे तो ये बेस्ट रिजल्ट देगी, आपका वाइब्रेशन इंस्टेंट हाई कर देगी और सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा। 10 ब्लेसिंग्स लिखें और उसके लिए धन्यवाद 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 लिखें। उस नियामक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने जीवन में की है, उस गलती के फल स्वरूप कुछ 10 वरदान खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। वरदान खोजने में आपकी मदद करने के लिए आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा, वे कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई। और आज रात सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप पूरे दिन को ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, एंड अनलिमिटेड चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके दिन भर में अगर कोई नेगेटिविटी आई भी होगी तो ये उसे नलिफाई करके पॉजिटिव वाइब्रेशन में ला देगी। तो ये मैजिक प्रैक्टिस, ऑथर ने इस बुक का नाम मैजिक ऐसे ही नहीं रखा, ये सचमुच मैजिकल प्रैक्टिस है। आप जो बरसों से नेगेटिविटीज के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसे बदलने के लिए ये 17 मिनट का वीडियो हो गया, ये 15-17 मिनट की प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। आधा घंटा अगर इस प्रैक्टिस को देने में लगते हैं तो जो बरसों की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसे रिमूव करने के लिए, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये कुछ मिनट कुछ भी नहीं है, जो बदले में इसके रिवार्ड आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस प्रैक्टिस को जब भी आपको दिल चाहे, जब भी आप कुछ बुरा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप इसकी किसी भी एक प्रैक्टिस को उठाकर उसे कर लें, आपका मूड इंस्टेंट हाई हो जाएगा, इंस्टेंट आपको अच्छा फील होने लगेगा। और हमारे लाइफ का पर्पस ही है अपने आप को अच्छा फील कराना, बस कुछ सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऐसा काम फ्लिप करके कर लेना है कि जिससे हमें अच्छा फील हो और यही वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो गई, फिर हम और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।